वचन में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या क्या आवश्यकताएं हैं। मत्ती 6:8। आप सबों को हमारे जीवते प्रभु यीशु में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन्स साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री उसका जिसका केवल एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर का सुसमाचार सिर्फ मुझ तक और आप तक ही सीमित नहीं रखना, उस हर व्यक्ति उस हर कोने तक पहुँचना जो आज तक इस आनंद से वंचित हैं। जी हाँ, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ऐसे हमारे कई भाई बहन हैं जो इस आनंद से वंचित हैं, इस जीवते वचन के सामर्थ और आनंद से वंचित हैं। और हमारी मिनिस्ट्री का केवल एक ही उद्देश्य है कि हम हमारे परमेश्वर के वचन को उन तक पहुँचाएँ। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री आप सबों के लिए प्रार्थनाएँ करती हैं। हमारे यहाँ 24 आवर्स प्रेयर होती है। हमारे प्रेयर वॉरियर्स आप सबों के लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए आप अपनी रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं, आप अपनी प्रार्थनाओं को हमें बता सकते हैं, फ़ोन करके आप हमें बता सकते हैं। एड्रेस है, अगर आप हमें फ़ोन नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी बात एक पत्र में लिखकर हमें भेज सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे फॉर्म है, आप अपना रिक्वेस्ट उस फॉर्म में आप दे दीजिए। आप हमारी मिनिस्ट्री में मेंबर्स बन सकते हैं। मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगी कि आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी प्रार्थना योद्धाओं के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें। हमारी मिनिस्ट्री दिल्ली में प्रेयर सेंटर खोलने जा रही है, उसके लिए मैं आप लोगों से सहयोग मांगती हूँ, प्रार्थना का सहयोग। और आप जैसा भी सहयोग करना चाहें, आप हमारे ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑफिस का नंबर है, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें अगर अपने उपहार या दान देना चाहते हैं तो भी आप हमारे ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है प्रार्थना स्थल के लिए, प्रेयर सेंटर के लिए, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें अपने उपहार हम डायरेक्ट ऑनलाइन भी कर सकते हैं और बैंक में भी आप अकाउंट में डाल सकते हैं। और अगर आप हमारी टीम को अपने घरों पे आराधना और स्तुति के लिए बुलाना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं, अपने चर्चेज में बुलाना चाहते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री सिर्फ मेरी ही नहीं, आप सबकी मिनिस्ट्री है, क्योंकि जब हम इस संसार में हैं और हम अपने जीवते परमेश्वर को मानते हैं तो हम उसके उत्तरदायी हैं कि हम उसके वचन को सब लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो इस विषय में नहीं जानते, और ये हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ मेरी ही नहीं, जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री की ही नहीं, मेरे ही प्रार्थना योद्धा की नहीं, वरन आप सब की है। आप सब हमसे हमें ज्वाइन करिए। आज जिस विषय पर मनन करने को मैंने चुना है वो वही विषय है जो मेरी मिनिस्ट्री करती है, और वो है प्रार्थना। बहुत ही शक्तिशाली विषय है ये, हमारा शस्त्र है ये प्रार्थना। और मैं आपके सामने बाइबल से भी पढ़ूंगी कि परमेश्वर ने हमें कैसे प्रार्थना करना सिखाया। आइए वचन से पढ़। आज मैं आपके सामने पढ़ूंगी मत्ती 6:9-13। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तो भी हमें अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। ये परमेश्वर का वचन है, उसका धन्यवाद हो। तो हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर ने हमें कैसे बताया है कि हमें प्रार्थना करना है। अब
प्रश्न उठते हैं। प्रार्थना करना बताया है, पर प्रार्थना क्या है? मेरे पास कॉल्स आते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे प्रार्थना करूं? मुझे नहीं पता प्रार्थना क्या है। सिंपल जवाब है उसका, प्रार्थना एक बातचीत है, वार्तालाप है, कन्वर्सेशन है। किसके बीच? मेरे बीच और मेरे परमेश्वर के बीच। आइए वचन से पढ़ते। मैं आपके सामने पढ़ूंगी कुलूसियों उसका चौथा अध्याय उसका दूसरा वचन। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। पहली बात तो ये कि हमें प्रार्थना में लगे रहना है और उसके साथ धन्यवाद में जागृत रहना है। इसका मतलब ये, प्रार्थना में लगे रहना है मतलब हमें हर समय अपने परमेश्वर से बातचीत करते रहना है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे, ये बातचीत क्या है? बातचीत वो है जो मैं किसी के साथ अपनी उस बात को नहीं बताना चाहती जो सिर्फ मैं जानती हूँ और मैं चाहती हूँ, पर मैं वो बात अपने परमेश्वर को बताना चाहती हूँ। वो बातचीत है, वो प्रार्थना है। मैं परमेश्वर से कैसे बातचीत करूँ? एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, क्या आप अपने माता पिता से बात करते हैं? हाँ करता हूँ, बस वो हमारा माता और पिता है। इस संसार में जितने भी रिलेशनशिप हैं उनमें माता और पिता का ऐसा रिलेशनशिप है कि हम उनसे अपनी सारी हृदय की बातें खोल कर कहते हैं। और वचन यही कहता है, अपनी सारी हृदय की बातें खोल कर मेरे सन्मुख रखो। वो है प्रार्थना, वो सुनने को तैयार है। सबसे पहले तो हमें प्रार्थना करते रहना है, वो सुनने को तैयार है, हमें प्रार्थना करना है। अब प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक बातचीत है। कैसी बातचीत है? वैसी ही बातचीत जब एक बच्चा अपने माता पिता से करता है, सब कुछ भुला के। बस उसको ये मालूम रहता है कि ये मेरे माता पिता हैं और जो भी मैं बोलूँगा वो मेरे लिए करेंगे। वो बात हमको जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो आनी चाहिए। आइए मैं वचन से पढ़कर आपको बताती हूँ। आइए वचन से पढ़ेंगे मरकुस उसका 11वां अध्याय 23वां और 24वां पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितनी सीधी बात। यही बात जब एक बच्चा या हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं अपने माता पिता से बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो भी हम कह रहे हैं वो हमारे लिए ये लोग करेंगे, ये सुनेंगे। और वैसी ही बात हमें परमेश्वर के सामने अपने लिए रखनी है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, कैसे प्रार्थना करते हैं? बहुत ही सिंपल। मुझे पता है कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरा परमेश्वर सुन रहा है और वो मेरे लिए पूरा करेगा। अब आप मुझसे ये प्रश्न करेंगे, ठीक है हमने ये कह दिया, आप जो कह रही हैं कि प्रार्थना हमें करना चाहिए, हमने किया, हम मानते हैं। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, अगर मानते हैं तो फिर जानते भी हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम पाते हैं। इस बात को भी हमें अपने जीवन में लाना। जब मैं प्रार्थना करूं अपने परमेश्वर के सन्मुख अपना हृदय खोल कर रखूं, और जब मैं ऐसा करता हूं या करती हूं तो मैं जानती हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए वो बात करेगा।
जी हाँ, यही विषय है मेरा, प्रार्थना जो हम आपके लिए करते हैं। और आज हम इसलिए बोलते हैं इस बात को कि आप हमें अपनी रिक्वेस्ट दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी सुनता है, उसने सुना है। ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए, उसमें हैं विटनेस हैं, कई कई बड़े बड़े काम किए हैं परमेश्वर ने, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को चंगाई दी है, इतने रुके कार्यों को किया है परमेश्वर ने, वो कुछ भी कर सकता है। हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना है, और ये मान के करना है, इस विश्वास के साथ करना है कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो मेरे लिए होगा। इस बात को लाना पड़ेगा आपको। अब जब हम बातचीत करते हैं तो एक ही तरफ से तो बातचीत होती नहीं है ना, सामने वाले की भी सुनना पड़ता है, तभी तो वार्तालाप होता है, टू एंड फ्रो। जी हाँ, यहाँ भी वही है, जब हम अपने माता पिता से बात करने जाते हैं तो उनकी भी सुनते हैं अपन, कि वो क्या कह रहे हैं हमसे। बस हमें भी वही करना है, जब हम प्रार्थना करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो हमें परमेश्वर की भी सुनना है। कैसे? हाँ बोलिए। नहीं, ऐसे, ये जो वचन है वो उसका बोलना है। जी हाँ, ये जो वचन है वो उसका बोलना है। तो सीधी बात ये हुई कि जब मैं प्रार्थना करने जाऊं तो मैं बाइबिल भी पढूं, उसकी भी सुनूं वो क्या कहता है। हमेशा मुझे प्रार्थना करना है, और ऐसे विश्वास के साथ मुझे प्रार्थना करना है कि वो मेरी सुन रहा है, और मेरी प्रार्थना जब पूरी होगी, जब मैं बाइबिल के वचनों को भी पढूंगा। आप पढ़िए, बाइबिल के वचनों के साथ आप प्रार्थना करिए, अपने आप एक सामर्थ्य को पाएंगे आप, और इतना कॉन्फिडेंस आप में आएगा कि आपको ऐसा लगेगा चाहे मेरी जो भी परिस्थिति आए, जैसी भी परेशानी, जैसी भी चिंता आए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ, और जब मैं अपने परमेश्वर से बोलूँगा तो ये जो जितना मुझे शैतान गड्ढे दिखा रहा है, परेशानियां दिखा रहा है, चिंताएं दिखा रहा है, वो सब पनाह हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जब हम प्रार्थना करते हैं और जानते हैं कि हम पाते हैं, तो हमें ये मानना भी जरूरी है कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी सुनेगा। और जब हम ये भी मानते हैं कि प्रार्थना हमारी परमेश्वर से बातचीत है, तो सिर्फ हमें ही नहीं बोलते रहना है, उसकी भी सुनना है, और उसके लिए हमें बाइबिल पढ़ना है। मैं हमेशा सब लोगों से, जितने भी कॉल्स आते हैं, उन सब लोगों से मैं यही गुजारिश करती हूँ कि आप रोज़ बाइबिल पढ़िए, आप स्वयं भी प्रार्थना करिए, आप रोज़ बाइबिल पढ़िए। और मैं आज भी आप लोगों से यही कहूँगी कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो बाइबिल पढ़ के हम प्रार्थना करें, बहुत सामर्थ्य प्राप्त होगी। प्रार्थना के विषय में सबसे अच्छी बात जो हमें बताई गई है वो चेलों के द्वारा, यीशु मसीह के चेलों के द्वारा बताई गई है। जब यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ के स्वर्ग चले गए, तो उन्होंने अपने नाम के प्रचार की जिम्मेदारी, लोगों के बचाव की जिम्मेदारी अपने चेलों को दे दी, और पवित्र आत्मा उनमें आया, और वो चेले ही हमें सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत ही, आप उनको पढ़ेंगे अगर उनकी किताबों को, तो सबसे पहले वो स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं परमेश्वर की, वो परमेश्वर की सबसे पहले आराधना करते हैं। हमें भी सबसे पहले आराधना करना है, अगर आप प्रार्थना करने बैठ रहे हैं तो उसकी आराधना स्तुति करिए। उसने आपको बनाया, उसने संसार को बनाया, इतनी खूबसूरत संसार को बनाया, इतनी अच्छी, इतनी सुंदर सृष्टि बनाया है, हमें उसकी स्तुति और आराधना करनी है।
सबसे पहले, उसके बाद वचनों को पढ़ना है, वो वचन में क्या कह रहा है उसे हमको समझना है, वो क्या बता रहा है हमसे। और देखिए आप, अगर आप ऐसा करेंगे ना, वो इतनी अच्छी अच्छी बातें आपसे बताएगा, मतलब जब आप पढ़ेंगे आपको, मेरे को नहीं समझ में आता, मुझे कई फ़ोन्स आते हैं जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। आप एक बार आराधना स्तुति करके वचनों को पढ़िए, इतनी मीठी लगेंगी ये बातें परमेश्वर की आपको। और उसके बाद ये मैं स्वयं भी करती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने अपने अपराधों को मानिए, क्योंकि हम सब अपराधी हैं, हमसे गलतियाँ अपराध होते रहते हैं, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं, हम मिट्टी, हम धूल हैं, हम मिट्टी और धूल हैं। इसलिए दाऊद कहता है कि मुझे मिट्टी और धूल समझकर मेरे अपराधों को स्मरण ना कर परमेश्वर। अपने अपराधों की माफ़ी उससे मांगिए, वो हमसे बहुत प्रेम करता है, हमसे बहुत प्रेम करता हमारा परमेश्वर। जब हम अपने अपराधों को मानेंगे तो आप देखेंगे कि आगे आप ऐसा कोई अपराध ही नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप में एक वो बात आ जाएगी कि जब मैं सेकंड टाइम प्रार्थना करने बैठूंगा तो फिर परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मेरे को बोलना पड़ेगा, तो मैं क्यों अपराध करूं, ये तो मेरे लिए इंसल्ट है। और फिर परमेश्वर का धन्यवाद करिए। ऐसी बहुत सी बातें हमारे जीवन में हैं, छोटे से लेकर बड़ी, अनगिनत आशीषें देने वाला परमेश्वर है हमारा, उसका धन्यवाद करिए। और फिर लास्टली अपनी जो बात है उसके सामने रखिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए, पति और पत्नी के बीच के झगड़े हटा दीजिए, बीमारियों को चंगा करने की बात, और कोर्ट केसेस, बिजनेस, कई ऐसी बातें हमारी, कितनी बातें हैं, उसको फिर आप रखिए। देखिए आपको इतना सुकून प्राप्त होगा। लेकिन मैं आपको फिर से एक बात बता देना चाहती हूँ कि ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि हम कैसे प्रार्थना करें। ये मैं बस आपको बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके से हम करते हैं, हम उसका आदर करते हैं, क्योंकि वो बहुत महान है, वो सिंहासन पर ऊंचे पर विराजमान है, हम कुछ नहीं हैं, हम लोग उसके सामने कुछ नहीं हैं, फिर भी वो हमारी सुनता है। तो हम उसका आराधना स्तुति करके धन्यवाद के साथ अगर अपनी बातों को रखते हैं तो कितनी अच्छी बात होती। आइए मैं वचन से और आगे बढ़ती हूँ। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 14वां वचन। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। उसकी इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। अब आप बोलेंगे मैंने प्रार्थना किया था कि मुझे सोने का थैला मिल जाए आज। ये प्रार्थना नहीं है, ये लालच है। हमें बहुत सोच समझ कर मांगना है। हमारी ज़रूरतें क्या हैं? वो सोने का थैला हमारे क्या भोजन देगा? ऐसी कोई बात प्रार्थना में ना रखें। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे कॉल्स आए हैं, मेरा घर मुझे चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करिए, लेकिन जो मेरा जो दूसरी बहन है उसको ना मिले वो घर, ये कैसी प्रार्थना है? क्यों नहीं मिले भाई? वो घर कायदे से आपका और आपकी बहन दोनों का है, तो जब आपको मिल रहा है तो उसको क्यों ना मिले? ये प्रार्थना नहीं है, ये तो लालच है, ये प्रार्थना नहीं है। उसकी इच्छा अनुसार जब हम मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, और वो बहुत ऊंचे पर है, वो बहुत बड़ा है, वो बहुत महान है। ऐसी कोई भी बात हम उसके समक्ष ना रखें। प्रार्थना एक बहुमूल्य चीज़ है जो हम मसीहियों को मिली है, कि हमें वो नाम दिया गया है यीशु, उस नाम से हम जो कुछ भी मांगेंगे वो हमारे लिए होगा।
और उसके लिए हमें बहुत दिखावा या ऐसा कोई पहाड़ चढ़ना या नदी पाटना नहीं है, राई के दाने के बराबर विश्वास करना है। जी हाँ। अब अंत में एक बात और मैं आपके सामने रखूंगी, जो पाया जाता है मत्ती 6 उसका 6वां और 7वां अध्याय। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी बात सुनी जाएगी। जी हाँ, ये पॉइंट भी जब हम प्रार्थना करते हैं इस बात का बहुत ध्यान रखें हम। कई लोग मुझसे कहते हैं हमें हमारे घर में हमें प्रार्थना नहीं करने दिया जाता, सिस्टर हम क्या करें। ये कौन बोल रहा है तुमको इस प्रकार से करने के लिए, तुम अपनी फजीहत कर रहे हो। प्रार्थना करना दिखावा नहीं है, प्रार्थना करना चिल्लाना नहीं है। वचन कहता है एकांत में जाओ जहाँ सिर्फ तुम और तुम्हारा परमेश्वर हो, बस ना ये देखे ना वो देखे, और बक 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 चिल्लाना। यहाँ बक बक लिखा गया, बक बक आप सब जानते हैं व्हाट इज बक बक। कोई भी बकबक करता हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमारा परमेश्वर पिता जो इतना महान है, हम क्या ठहरेंगे उसके सामने। हम कुछ नहीं, हम तिनके से भी छोटे हैं, हम तुच्छ हैं उसके सामने। पर उसका अनुग्रह है हम पर कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, तो हम बकबक क्यों करें जो हमारी प्रार्थना उसी को रखें। हम इसके उसके इसकी बातें क्यों करें जो मेरी बात है मैं रखूं, और मेरी बात मैं उसके सामने ही रखूंगी, इस सबके सामने ढिंडोरा पीट के चिल्ला के मैं नहीं रखूंगी। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ ख़त्म करने से पहले, ये जो मैंने आपको बताया ये कोई फास्ट रूल नहीं है, ये नियम कानून नहीं है, क्योंकि कभी कभी हमारी प्रार्थना समय और जगह के हिसाब से भी होती है। कभी कभी वो प्रार्थना भी हम करते हैं जब हम शायद हॉस्पिटल में खड़े हों अपने प्रियजन के पास, हम हृदय में पुकारते हैं पिता मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। कभी कभी हम गाड़ी में जा रहे होते हैं और अचानक से एक गाड़ी हमारे सामने से निकलती है, हम रोड से जा रहे होते हैं, तभी भी एक झटके से हमारी प्रार्थना लिखते हैं पिता बचा ले, वो भी प्रार्थना है और वो भी सुनी जाती है। और एक बहुत ही प्यारा वचन मैं आपके सामने रखती हूँ और मैं समाप्त करूँगी, मत्ती 6:8 अध्याय, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, सुंदर मनन के लिए प्रभु, और तेरे उस शस्त्र के लिए जो तूने हमें दिया कि हम अपनी विनतियों अपनी प्रार्थना अपने निवेदन को तेरे सन्मुख लाने वाले हो सके। हे परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर, दया कर पिता, और जितने मुझे सुन रहे हैं उन सबको आशीष दे पिता। हे पिता परमेश्वर उन सबों के सिरों पर तू हाथ फेर प्रभु, क्योंकि अभी वो जो भी प्रार्थना तुझसे कर रहे हैं तुझे पुकार रहे हैं तू यीशु के नाम से सुन ले पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु करुणा निधान पिता, हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें योग्य समझा है कि हम तेरे समक्ष अपनी विनतियों और प्रार्थना को रखें। मालिक हम पर अनुग्रह कर कि हम सही तरीके से प्रार्थना करें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। ये छोटी विनती पवित्र नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। जसवंत भाई दिल्ली की नई कार चोरी हो गई थी, हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना और 4 दिनों के पश्चात उनकी कार मिल गई। स्वयं चोरों ने कार उन्हें लौटा दी और भाग गए।
प्रेज द लॉर्ड। भाई कमल विलियम, इंदौर का ट्रेन से बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री के हम सभी प्रार्थना योद्धाओं की प्रार्थना हमारे परमेश्वर ने सुना और 48 घंटों के भीतर उन्हें होश आ गया और वो चंगे हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।